देखो इसका एक क्वेश्चन और दिखेगा तुम्हें, इसका जी पार्ट दिख रहा है क्या? हाँ सर, क्या क्वेश्चन है? फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 2N2O5 गिव्स 4NO2 + O2। 4NO2 + O2, ये इक्वेशन है। आफ्टर 30 मिनट फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन प्रेशर डेवलप्ड इज 284.5। 30 मिनट का प्रेशर कितना हो गया है? 284.5। आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन इट इज 584.5। कंप्लीट डिकम्पोजिशन के बाद 584.5 है, तो मैं निकालना टी हाफ कितना होगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको कि नहीं? यस सर, चलो ये सर एक निकालेंगे बार फिर से एनसीईआरटी बोल से। दो, दोबारा बोलो सर एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन। क्वेश्चन है, आफ्टर 30 मिनट्स फ्रॉम स्टार्ट ऑफ डिकम्पोजिशन प्रेशर इज 284.5 mm। आफ्टर कंप्लीट डिकम्पोजिशन प्रेशर इज 584.5 mm ऑफ एचजी, और टी आप निकालना है। नोट्स तुम्हारे पास होने चाहिए, सबके पास नोट्स सबके पास हैं। टी आप निकालो इसमें जी पार्ट।
निकाला किसी आंसर? चलो देख लो आंसर एक बार। इनिशियल प्रेशर ये मान लिया, चलो देखो जरा कर लिया ट्राई कि नहीं। देखो ए था ये 0-0 होगा, इसमें से एक्स जाएगा, बनेगा प्रेशर 2x, इधर बनेगा x बाय 2। ये लाइन इंपॉर्टेंट है बहुत, 2 है तो 4 बन रहा है ये, और ये 1 बन रहा है, यानी ये डबल बन रहा है, ये हाफ बन रहा है, तो 2x और ये x बाय 2, 2x और x बाय 2, समझ आ गया कि नहीं? ये दिस टोटल प्रेशर इज इक्वल टू 284.5। इधर से a और x में एक रिलेशन आ जाएगी, क्या रिलेशन है ये? a प्लस 3x बाय 2 इज इक्वल टू 284.5। ये क्वेश्चन आ गई। दूसरी रिलेशन, अब a जो है कंप्लीट डिकम्पोजिशन यानी इनफिनाइट टाइम के बाद, कंप्लीट डिकम्पोजिशन यानी इनफिनाइट टाइम के बाद a हो जाएगा 0, 4 एन 2 है तो ये हो जाएगा 2a, और o2 हो जाएगा a, 2a प्लस ए 3a हो जाएगा, ऐड कर लेंगे तीनों को, 2a प्लस ए दिस इज इक्वल टू 584.5। तो ये 3a इज इक्वल टू 584.5। a और x में रिलेशन आ गई है, a और x निकाल लेंगे इससे, a और x निकल गया तो उससे k निकल जाएगा 2.303 बाय टी, हम लेंगे कितना, कितने मिनट की बात है, 30 मिनट के बाद टी लेंगे, 30 log of a upon में a minus x, a निकलने के बाद टी हाफ होता है 2.303 by k log 2 कह लो, या फिर 0.693 by k, ये हो जाएगा नंबर की नहीं? अच्छा किस किसने ऐसे किया, सेम एक बार हैंड्स करेंगे, जिसने ऐसे किया है, जिसने ऐसे किया एक बार हैंड्स कर देंगे, नितिन, यश, गर्वित, सर हाँ बोलो बोलो, आकाश, तो ये कंप्लीट डिकम्पोजिशन में a बाय 2 नहीं होगा क्या? बाय 2 वहाँ पे सर, 4 भी, हाँ हाँ एक बार गलत हो गया वहाँ पे, एक मिनट रुक जाएंगे, गलत हो गया, वो तो a बाय 2 आएगा, तो सर a की वैल्यू 233.8 आएगी और सर x की वैल्यू 33.8 आएगी, ये 5a by 2 आएगा, एक मिनट रुको, 5a by 2 आएगा, हाँ चलो ये समझ आ गया, एक बार हैंड्स कर देंगे जिसको समझ आ गए, जिसको समझ आ गया एक बार हैंड्स कर देंगे, वेदांशी, अखिल, मनीष, कशिश, आशीष, समीर, वैभव, अंश, यश, राज, जानवी, प्रवीण, शिवा, समर्थ, आकाश, जिसको डाउट है दोबारा पूछ लो, कुणाल, जिसको डाउट है दोबारा पूछ लो, बार नितिन, एक एक दो बच्चे रह गए, किसी को डाउट है इसमें दोबारा पूछना तो पूछ लो। चलो एक बार दो मेथड नोट कर लेंगे, मेथड्स टू फाइंड, अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है काफी, मेथड्स टू फाइंड रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये पांच मेथड हैं, पांच मेथड हैं। फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड, फर्स्ट मेथड ग्राफिकल मेथड है, तुम्हारे नोट्स में है, देखो ओवर चेक कर लो है कि नहीं,
ग्राफिकल मेथड सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसके लिए, अगर एक टाइप का रिएक्टेंट है तो ये यूजफुल है, अगर एक टाइप का रिएक्टेंट है तो ही ये यूजफुल है, जैसे एन ए गैस प्रोडक्ट, चाहे वो ए गैस प्रोडक्ट हो चाहे वो टू ए गैस प्रोडक्ट हो, होना चाहिए रिएक्टेंट एक ही टाइप। अब मान लो ये टू ए गैस प्रोडक्ट या एन ए गैस प्रोडक्ट रिएक्शन है और इसके लिए मैंने ग्राफ प्लॉट किए, सपोज इसके लिए मैंने क्या किया, ग्राफ प्लॉट किए किसके, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम के ग्राफ प्लॉट किए, एक ग्राफ ऐसे आया, क्या इसमें मैं लिख देता हूं एक इस प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है एक इस प्रोडक्ट, अगर ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है, इफ दिस रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, then rate is proportional to A, then rate is proportional to A. Second point, if this reaction is of second order, अगर second order की है तो rate is proportional to आएगा A square, ऐसे ही अगर third order की है, if this reaction is of third order तो rate is proportional to आएगा A का क्यूब, कंसंट्रेशन ऑफ A का क्यूब। तीनों के लिए ग्राफ प्लॉट किए, पहले केस के लिए, दूसरे केस के लिए और तीसरे केस के लिए, तीनों के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। अब ये ग्राफ्स आ गए तीनों, ये पहला ग्राफ आया रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन, ये फर्स्ट ग्राफ आया रेट वर्सेस ए का स्क्वायर, रेट वर्सेस ए स्क्वायर, ये सेकंड ग्राफ आया रेट वर्सेस ये ए है ए का क्यूब, थर्ड ग्राफ आया। अब मैंने बोला कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है ये, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन, बोलो क्या होगा ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, थर्ड, हाँ थर्ड ऑर्डर, क्योंकि थर्ड ऑर्डर के लिए ग्राफ ट्रू आ रहा है, जिसके लिए स्ट्रेट आ जाएगा वही करेक्ट है। यानी हमारा रेट लॉ क्या हो गया, रेट लॉ क्या होगा, के इंटू ए का क्यूब और ऑर्डर हो गया थ्री, कोई डाउट तो नहीं है किसी को, ध्यान रखना मैं रेट वर्सेज ए स्क्वायर ए क्यूब का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, रेट वर्सेज ए का प्लॉट करते तब ये ट्रू होता, तब ये ट्रू होता रेट वर्सेस ए का, सही ना, क्योंकि वाई प्रोपोर्शन टू एक्स स्क्वायर आ रहा है, यानी ये पैराबोला अलोंग वाई एक्सिस आएगा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें किसी को, नो सर। चलो ये हो गया, पहला मेथड हो गया मेथड टू फाइंड रेट कांस्टेंट, रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर। सेकंड मेथड है इनिशियल रेट लॉ मेथड, इनिशियल रेट लॉ मेथड, क्लियर। सेकंड मेथड इज इनिशियल रेट लॉ मेथड, इसमें क्या है, मान लिया रिएक्शन हो रही है ए ए प्लस बी बी के प्रोडक्ट्स प्लस, चलो यही लेते हैं गैस प्रोडक्ट्स। अगर मुझे अभी ये ध्यान सुना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं, क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा तुम्हें, अभी सिर्फ तुम नोट करोगे इसके तरीके, ए ए प्लस बी बी के प्रोडक्ट, ये रिएक्शन है कोई, अगर इस रिएक्शन के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर मेरे को ए के और बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, मान लो मेरे को ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, तो मैं बी को रखूंगा कांस्टेंट, बी को क्या करना है, जिसके रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है उसको चेंज करेंगे, बाकी सबको क्या करेंगे कांस्टेंट, बी को रखा कांस्टेंट। अब देखो, इफ कंसंट्रेशन ऑफ ए इज मेड ट्वाइस, ए को मैंने किया ट्वाइस और रेट आ गया इससे 16 टाइम्स, तो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होगा, देखो इसमें हम लिखेंगे रेट इक्वल टू के ए रेस टू अल्फा बी रेस टू बीटा, यही होगा ना, ऑर्डर निकालना है अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी। मैंने क्या किया, ए को किया ट्वाइस, बी को रखा कांस्टेंट,
रेट आ गया 16 टाइम, 16 आर आ गया, रेट कितना आ गया 16 आर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 रेज टू अल्फा है, दिस इंप्लाइज 16 इज इक्वल डिवाइड करने के बाद हां अल्फा 4 आ गया कि नहीं है, यस सर, यानी ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 4, कोई डाउट तो नहीं किसी को, ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए इज 4। अब ऐसे ही अगर मेरे को बी के रेस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो सर ए को कांस्टेंट रख देंगे, ए को रखा कांस्टेंट और बी को किया 3 टाइम्स, बी को किया 3 टाइम्स और रेट हो गया से 243 टाइम्स, तो अब रेट 243 टाइम्स हो गया तो 243 आर इज इक्वल टू के ए रेस टू, तो अल्फा ही रहेगा, 3 बी रेस टू बीटा आ जाएगा, अब 5 आ जाएगा बीटा, बीटा कितना आ जाएगा डिवाइड करने पे 5 243 इज इक्वल टू बीटा 3 रेस टू बीटा, तो बीटा आ गया यहां से 5, कोई डाउट तो नहीं है, तो सर इससे हम नेट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 9 कह देंगे, ऑर्डर हो गया 9, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया मैंने, मान लो मैंने बी का, बी को किया, अगर ध्यान दे रहा अगर मान लो मेरे को बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है, सही ना, बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर निकालना है और ए को किया मैंने से ए को किया मैंने 7 टाइम्स, ए को 7 टाइम्स किया, रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, रेट आ रही है, तो ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर कितना होगा 0, ऑर्डर 0 होगा, यानी ए पे डिपेंड ही नहीं कर रहा रेट, नहीं समझ आई बात, ये आ गई, तो ये कौन सा मेथड था, इनिशियल रेट लॉ मेथड, इनिशियल रेट लॉ मेथड, जल्दी से देखेंगे अगला मेथड, नेक्स्ट मेथड है हाफ लाइफ मेथड, इसमें क्या है, जैसे अभी तुमने पढ़ा जीरो ऑर्डर रिएक्शन के केस में टी हाफ आया प्रोपोर्शनल टू ए, कोई डाउट तो नहीं है, जीरो ऑर्डर में ए बाय टू के आया था कि नहीं, फर्स्ट ऑर्डर में ए रेस टू जीरो इंडिपेंडेंट ऑफ आया था इसके फर्स्ट ऑर्डर में, सेकंड ऑर्डर में निकाला ए रेस टू माइनस वन आया था, याद है कि नहीं, ये याद है सर, 1/a के आया था ना, तो इसलिए आ गया t हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रेस टू n माइनस 1, चाहो तो तुम nth ऑर्डर से डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, t हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a रेस टू n माइनस 1, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, नो सर, हाँ, तो इससे तुम फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हो कि t हाफ प्रोपोर्शनल टू n माइनस 1 है, t हाफ 1 लिया इज इक्वल टू k अपॉन में a रेस टू n माइनस 1 और t हाफ 2 लिया दूसरे रिएक्शन के लिए इज इक्वल टू k अपॉन में a1 मान लो इसको a2 मान लो रेस टू n माइनस 1, फिर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स करके आंसर निकाल सकते हो, लॉग के टर्म्स में भी आंसर निकाल सकते हो इसका डिवाइड करके दोनों को, सही ना, k कैंसिल हो जाएंगे, k और k दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो t हाफ 1 t हाफ 2 ये आ जाएगा 1 वाले में a2 रेस टू n माइनस 1 अपॉन a2 बाय a1, a2 a1 क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन या इनिशियल प्रेशर्स पावर n माइनस 1 आ जाएगा, समझ आया कि नहीं, ये फॉर्मूला समझ आ गया, यस सर, देखो मैंने जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा हूँ, इनिशियल कंसंट्रेशन था 0.1 मोलर, इनिशियल कंसंट्रेशन था 0.1 मोलर, मैंने इसको कर दिया 0.4 मोलर, 0.1 मोलर से 0.4 मोलर कर लिया, और टी हाफ था पहले था 5 सेकंड और अब हो गया 20 सेकंड, तो ऑर्डर क्या है रिएक्शन का, सर टी हाफ पहले कितना था 5 सेकंड और अब हो गया 20 सेकंड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, इनिशियल कंसंट्रेशन मैंने 4 टाइम्स किया तो टी हाफ भी 4 टाइम्स हो गया, यानी डायरेक्टली क्वेश्चन मैथमेटिकली तुम्हें इस फॉर्मूले से निकालना होगा, मैथमेटिकली इन फॉर्मूले से करना होगा तुम्हें, समझ गए कि नहीं, ये सही ना, मैथमेटिकली इन फॉर्मूले से करना होगा, कोई डाउट किसी को, नो सर,
समझ आ गया कि नहीं सबको? यस सर। अच्छा फोर्थ मेथड है इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, वो मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, जिसमें के तुम निकालते हो, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड ये मैंने पढ़ा दिया तुम्हें, जिसमें के तुमने निकाला x by t, जिसमें तुमने सेकंड फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला 2.303 by k, जो डेरिवेशन हमने की है log of a upon a minus x। फिफ्थ मेथड लास्ट है ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड। जैसे इनिशियल रेट लॉ मेथड में क्या किया तुमने, इनिशियल रेट लॉ मेथड में क्या किया, कांस्टेंट लिया था, कांस्टेंट माना और दूसरे को निकाले, जितनी भी चीजें सबको कांस्टेंट मानना है, एक को वेरी कराना है। इसमें क्या करना है, एक्सेस में ले जाना है, और कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ एस्टर प्लस H2O, यही बेस्ट एग्जांपल है इसकी, एस्टर प्लस H2O गिव्स कुछ भी प्रोडक्ट आ रहा है, मान लो हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट आ रहे हैं, ये सबको पता है रिवर्स ऑफ एस्टरीफिकेशन रिएक्शन है। ये लिया मैंने 100 मोलर, ये लिया 0.1 मोलर या 0.01 मोलर। अब इसमें मैंने एक को एक्सेस में लिया है कि नहीं? Yes, sir. अब मान लो ये खत्म होता है तो 100 में से 0.01 जाएगा तो 99.99 मोलर आएगा, कोई फर्क पड़ा इसके कंसंट्रेशन पे? नहीं। जब इसके कंसंट्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा तो क्या रेट इस पर डिपेंड करेगा? रेट किस पर डिपेंड करेगा? K into HCl into H2O है। क्या रेट वाटर के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? जो चीज एक्सेस में है उसके कंसंट्रेशन पे रेट डिपेंड नहीं करेगा, तो K into H2O नया कॉन्स्टेंट बन जाएगा K डैश, रेट इक्वल टू K डैश into एस्टर, ये एस्टर पे डिपेंड करेगा। और K डैश हमारा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कॉन्स्टेंट है, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, जिसको हमने माना है फर्स्ट ऑर्डर का, क्योंकि एक्चुअल में फर्स्ट ऑर्डर नहीं था, ये सेकंड ऑर्डर है, 1 1 सेकंड ऑर्डर है, लेकिन कंडीशन क्या लगाई हमने, वाटर का कंसंट्रेशन एक्सेस में है, तो हमने इसको मान लिया कि ये भी कांस्टेंट है, K into H2O क्या हो जाएगा, नया कांस्टेंट K डैश। कोई डाउट? इसके ऊपर भी क्वेश्चन दे रखे हैं एनसीईआरटी में। चलो मैं इसका एक न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उससे क्लियर हो जाएगा। ये पांचों मेथड याद कर लेना, नाम बोल लेना जरूर इनके, पहला ग्राफिकल मेथड, दूसरा इनिशियल रेट लॉ मेथड, तीसरा हाफ लाइफ मेथड, चौथा इंटीग्रेटेड रेट लॉ मेथड, और लास्ट क्या है, ओस्टवाल्ड्स आइसोलेशन मेथड, जिसमें हम कंसंट्रेशन क्या मान लेते हैं, एक्सेस में मान लेते हैं। इनिशियल रेट टर्म में कांस्टेंट मान लिया था, इसमें एक्सेस में माना तो भी कांस्टेंट हो जाएगा। चलो इसको पढ़ लेना जरूर, नेक्स्ट टाइम आगे करेंगे, और कन्वर्जेंस और सरफेस केमिस्ट्री का काम ये करते रहना साथ साथ। ओके थैंक्स।